तो स्वागत है आपका 10वीं कक्षा के इंटरनेट पर जो मॉडल पर जारी हुआ था इसके ऑब्जेक्टिव सीरीज में, जहां तक हम लोग ने इसके मॉडल सेट 3 को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग मॉडल सेट 4 चालू करेंगे, जिसमें मैं आपका आज कोशिश करूंगा 30 क्वेश्चन आज करा दूं और जो बाकी 30 बचेगा अगले वीडियो में, क्योंकि आपको पता है कि मेरे वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो वीडियो अपलोड करने में तकलीफ होती है, क्योंकि 2 GB डाटा मिलता है तो उसके लिए वीडियो लंबा हो जाता है। इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ जल्द से इसको चालू करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हर बार की तरह इस बार भी आपको वीडियो पसंद आएगा और सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, आप उसका निचोड़ समझ लेंगे कि होता क्या है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपसे क्वेश्चन कुछ नया भी पूछा जाए उस आधार पर आप उसको बना लेंगे। तो यही रटने वाले विद्यार्थी में और समझने वाले विद्यार्थियों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर किसी ने रट लिया है और वो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो वो तो बना लेगा, लेकिन आपने अगर उसको बनाना सीखा है ऑब्जेक्टिव को तो आपसे नया क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो आप बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल सेट 4। चलिए मॉडल सेट 4 में देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है APA यानी कोई अर्थमेटिक्स प्रोविजन है, यानी समांतर श्रेणी है हिंदी में से बोलते हैं, 4 है, 10 है, 16 है, 22 है, 28 है, तो इसका सर्वांतर क्या होगा। इससे आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहले आप देखिए 4 के बाद कितना बढ़ा है, 4 के बाद 10 हो गया है ना, कितना बढ़ गया है, 6 बढ़ा है। 10 के बाद 16 हो गया, कितना बढ़ गया, 6 यानी 6 का बढ़ोतरी हो रहा है, तो आपका आंसर ये हो गया। एक तरीका और है, आप कोई दूसरा पद में से पहला पद घटा लीजिए, 10 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6, 28 में से 22 घटाएंगे क्या बचेगा, 6, 16 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6। या तो दूसरा पद में से पहला पद घटा लीजिए या देखिए कितना की वृद्धि हुई है पहले और दूसरे के बीच में, वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है, जिसे हम हिंदी में सर्वांतर बोलते हैं और इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। इसे हम लोग स्मॉल डी से सूचित करते हैं। इसका फार्मूला भी आपको याद होगा, डी कॉमन डिफरेंस का A2 - A1 या A3 - A2। किसी संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, आप याद रखेंगे किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, यानी पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट असंभव, असंभव में याद रखेंगे 0 होता है और संभव में पूछे तो क्या होता है, 1 होता है। मैंने आपका दोनों समझा दिया, किसी निश्चित प्रायिकता के मान 1 होती है और किसी अनिश्चित प्रायिकता के मान 0 होती है, क्लियर। दो ही तरीके से एग्जामिनर से प्रश्न पूछ सकता है इसमें से, ये तो पूछेगा कि निश्चित प्रायिकता का मान क्या होती है तो 1, या पूछेगा अनिश्चित प्रायिकता का मान क्या होती है तो 0, संभव प्रायिकता का मान क्या होती है 1, असंभव का क्या होता है 0, याद रहेगा आपको, उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। 3 नंबर प्रश्न आपको बखूबी से याद हो गया होगा, मैंने इसका ट्रिक सिखा दिया है एग्जाम में, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे क्योंकि आपने रटा नहीं है, इसका ट्रिक आपने समझ लिया है। देखिए क्या दिया है, 2 समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मैं बताया हूँ अगर भुजा दिया हो और क्षेत्रफल पूछे तो आप बोलिए उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो 16:81 आपका आंसर हो गया। अगर आपसे क्षेत्रफल दिया होता भुजा पूछते तो आप क्या करते हैं, उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न मैं आपको बोर्ड पर कराता हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्टेप में इसको बनाना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में आप इसको जरूर बनाएंगे। 4 नंबर का मैं करता हूँ सोल्यूशन। चलिए आपके मॉडल सेट 4 में आपका जो 4th प्रश्न देखेंगे, उम्मीद करता हूँ आपने भी इसके परचेस किया होगा, खरीदा होगा और आप इसको बहुत अच्छे से इन्जॉय कर रहे होंगे और बना रहे, एग्जाम में आपको बहुत अच्छा ये होने वाला है सेट, क्योंकि इसमें 5 सेट दिए गए हैं और 5ों में जो खूबसूरती है इसकी, क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे से इंक्लूड किए गए हैं। बोला कि 1, 4, 1 और 5 तथा 12 का माध्य कितना है, 7 है, तो जो ये x अज्ञात राशि है इसका वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं करना है आपको एग्जाम में, आप इसको ऑब्जेक्टिव की सीरीज से बनाते हैं ना, तो ऐसे बनाइएगा। देखिए माध्य ये कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, तो आप माध्य का फार्मूला क्या पढ़े, एक बार फिर से लिखता हूँ फार्मूला, आपको याद रहेगा। माध्य का अपने फार्मूला पढ़ा होगा, कुल प्रेक्षण का योग, शॉर्ट में लिख रहा हूँ आप बात समझ रहे होंगे, बट्टे में पढ़े होंगे कुल प्रेक्षण की संख्या, ओके। चलिए इस पर सेट कीजिए, माध्य कितना दिया गया है 7, अपने 7 रखा, कुल प्रेक्षण को जोड़िए, पहला प्रेक्षण है आपका 1 और 4 5, इसको अपने जोड़ सकते हैं क्योंकि 1 से इसी की तरह निकालना है, तो इसको अपने जोड़ सकते हैं, तो मैंने ऐसे लिख लिया, बाकी जोड़िए आप, 1, 4, 5, 5, 10, 10, 12 कितना होता है 22, ओके। बटा में कुल प्रेक्षण की संख्या, कितनी प्रेक्षण है 1, 2, 3, 4, 5, 5, यहाँ 7, ये भाग 5 भाग में कहाँ चलाएगा, गुना में, तो ये गुना में आ गया, भाग में था, तो यहाँ क्या बच गया आपका 1 + 12, आपका आंसर आ गया। 7 × 5 कितना होता है 35, यहाँ प्लस में 12 है, इधर आएगा तो माइनस में 12 हो जाएगा, क्या बचेगा आपका x, 35 में से 12 घटाइए, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, 23, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
आपने एक्स का मान निकाल लिया। ये क्वेश्चन बनाने से आपको फायदा हुआ कि आपने ऑब्जेक्टिव का सही सही आंसर देखा। इस टाइप के क्वेश्चन सब्जेक्टिव में दो दो नंबर के लिए पूछ लेते हैं, उसको भी आप बना लेंगे इसी फार्मूला से। सॉरी ये हम लोग थोड़े यहाँ ऐड जोड़ गलत किए हैं, 15, 5, 12, 5 17, 17, 4 कैसे 22 होता है ना, यहाँ मिस्टेक से 12 लिखा गया है, आप इसको करेक्शन कर लेंगे, ये 22 है। इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 22 घटाइए, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1, ये आपका 13 हो गया, ये रहा ठीक। ओके खोजिए आपका 13 आंसर कहाँ है, आपको ऑप्शन डी में दिख रहा होगा 13। ओके चलिए इसको अभी एग्जाम में कैसे करेंगे आप ऐसे देख लीजिए, मैं यहीं पे सिखा रहा हूँ आपको, बिना पेन उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, आप 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। ये साथ है ना, इस याद रखिएगा मात के फॉर्मूला अपने पर, ये इसकी जितनी संख्या है इसे गुना कर लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5 5 से गुना कीजिए तो 7, 5, 35 हो गया, याद रखेंगे आप इसको, इसको जोड़िए 12, 5, 17, 17, 4, 21, 22 35 में से 22 घटा लीजिए, आपका आंसर आ गया, ऐसे कर लीजिए एग्जाम में, ठीक है ना। लेकिन बना कैसे है इसको भी देखना जरूरी इसके लिए है क्योंकि सब्जेक्टिव में आपको काम आएगा ये। ओके चलिए ये तो क्वेश्चन आसान है, सारे क्वेश्चन आसान, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखिए बहुत सारे प्रश्न है कि एग्जाम में देख लीजिए, जैसे ये वाला प्रश्न था आपका समय बच गया, तो कोई कोई प्रश्न में आपको बनाना पड़ता है ना, उसको बनाइएगा, आपको कुछ से कुछ 40 से 45 सेकंड जाएगा, लेकिन आपको सटीक आंसर मिल जाएगा जो आपके फर्स्ट डिवीजन में आप पूरा एक्यूरेट खड़े होंगे। अगर आपने 50 सब्जेक्टिव सही कर लिए आपको फर्स्ट डिवीजन से रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैंने आपसे बोला कि आप बहुत सारा स्कोर करेंगे, मतलब मेरे पास तो समय का अभाव है, मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा कि मैंने आपके सब्जेक्टिव नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इतना ही दिन में मैं आपको फर्स्ट डिवीजन के दहलीज पे खड़ा कर दिया, इतना ही क्वेश्चन से ये कम नहीं है। आप मेरे संस्कृत के सारे वीडियो को जरूर देखिए और इन्जॉय कीजिए आप फर्स्ट डिवीजन के लिए, उसमें तो आपको ज़बरदस्त है, आप वहाँ से आपका ना ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना ही सब्जेक्टिव। आप मेरे हिंदी सीरीज को भी जरूर इन्जॉय कीजिएगा, और ये तो संस्कृत का, ये मैथ का तो मैं तो पूरा गर्दा उड़ा दिया हूँ आपको, 2009 से लेकर 19 तक का, 2011 से लेकर 19 तक का ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ क्वेश्चन बैंक से, ये आपका 5, 4, 4 सेट करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए समय न गवाते थोड़ा इसको जल्द से किया जाए, एक बिंदु ये है 2, 4, दूसरा बिंदु है 0, 0, इसको जोड़ने वाली मध्य बिंदु का सूत्र पूछ रहे हैं ना, मध्य बिंदु का नियम क्या होता है, x1 + x2, एक्स वन का मान क्या है, ये आपका एक्स वन होता है, ये वाई वन, ये एक्स टू, ये वाई टू, एक्स वन प्लस एक्स टू, तो दो में जी जीरो रहेंगे तो 2 ही हो जाएगा, बट्टा में 2 होता है फार्मूला से बनाने में, वाई वन प्लस वाई टू, तो वाई वन का मान 4 है, वाई टू का मान 0, तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 होगा बट्टा में 2, इसको काटेंगे तो 2 + 2 एक बार में कट जाएगा, और 2 से 4 काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, तो ये 1, 2 आपका आंसर आ गया, 1, 2 ये आपका, ये मेरा। इसको देखिए x²-bx + c के मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग देखिए, इसमें a का मान क्या होता है, a, b के मान क्या होता है, -b दिया है, c के मान क्या है, c, मूलों का योगफल पूछा है ना, तो मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a, तो माइनस का माइनस, b के मान खुद माइनस में है, बट्टा में a, a का मान क्या है, a, ओके ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका बच गया b/a, b/a, ये आपका ये रहा ऑप्शन सी में b/a। 1/√3 किसके बराबर होता है, इसको मैं नहीं कर रहा हूँ तो कोई इसमें बुराई की बात नहीं है, क्योंकि इसको तो आपको याद करना है, थक गया हूँ बोलते बोलते, ऑफलाइन में बच्चे परेशान कर दिए हैं, वो लोग याद नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आपको भोगना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों ने याद किया है, ऐसा बात नहीं है, कुछ लड़के हैं जो याद नहीं करना चाहते हैं, पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है, आपको मैथ के सूत्र से कोई दुश्मनी होना नहीं चाहिए, चाहे आपका कोई भी आप क्लास में हो, फार्मूला इज सबसे इम्पोर्टेंट होता है। 1/√3 किसके बराबर होता है, आप खोज सकते हैं, 37 का तो आपको याद है, 37 का तो 1/2 होता है, तो ये तो होगा नहीं, cos 45 का मान तो 1/√2 होता है, तो ये तो होगा नहीं, आपका ऑप्शन बच गया ए और डी में से कोई होगा, याद कीजिए क्या है, तो आपको याद आ रहा होगा, तो आपने याद किया होगा कि 10, 60 का जो मान होता है √3 होता है, तो ये तो है नहीं, 10, 30 में आपने याद किया होगा, ये होता है 1/√3 के बराबर। एक बार दिखाता हूँ फिर से आपको, क्योंकि आपको हो सकता है देखते देखते याद हो जाए, आपको तो लिख के अपने पास रखना चाहिए, आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर इसको सार लीजिएगा, ये सारणी जो होता है डिग्री वाला अनुपात वाला, इसको आपको याद रखना है। देखिए 10 में 1, 10 ये रहा 10 और ये रहा 30, यहाँ पे होता है 1/√3, लेकिन 10, 60 में तो होता है √3, वो आपसे 1/√3 पूछा था, तो आपका आंसर हो गया ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर। देखिए त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदु में DE पैरेलल, इस प्रकार है कि DE पैरेलल BC है, और BC मान लीजिए हमारे पास त्रिभुज हो गया, ये BC ये पैरेलल को यह DE, ठीक, और ये रहा हमारा ABC, ये दिया है कितना 8,
ये पूछ रहा है कितना होगा। तो अब देखिए क्या ये इसके ये आधा पे है ना, तो ये क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन सी हो गया। ये पूछ रहा है नौ नंबर क्वेश्चन में, यदि ई कोई घटना की घटना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डैश, तो इसका मान क्या होगा। देखिए ये हो गया निश्चित प्रायिकता, तो निश्चित प्रायिकता का मान क्या होती है, मान लीजिए एक प्लस, प्लस का हमने प्लस दिया। ये पूछ रहा है असंभव, तो असंभव का मान क्या होता है, जीरो, एक और जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक ही होगा, तो ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। अब गलती से भी ऑप्शन ए पर मत जाइएगा, सोचेंगे कि निश्चित प्रायिकता का मान एक और इसका भी मान एक, नहीं ये असंभव प्रायिकता है, संभव प्लस असंभव, संभव का मान एक, असंभव का मान जीरो, जीरो और एक जोड़ेंगे तो एक होगा। एपी का प्रथम पद दो है, सारावंतर तीन है, तो इसके तीन पद क्या होंगे। अब देख लीजिए पहला पद दो है, कोई बात नहीं, हमने दो लिख लिया, सारावंतर तीन है यानी तीन तीन बढ़ेगा ना, तभी ना इसका अगला पद निकालेंगे, सारावंतर जोड़ेंगे तो दो में तीन जोड़ेंगे तो क्या होगा, पाँच, और पाँच में तीन जोड़ेंगे तो क्या होगा, आठ, तो हमारा दो पाँच आठ जो आएगा ऑप्शन आंसर आएगा, दो पाँच आठ, ये ऑप्शन बी रहा। साइन पाई बाई फोर माइनस कॉस बाई फोर, पाई बाई फोर का मान क्या होता है, देख लीजिए पूछा क्या है, साइन का साइन आप समझेंगे, चलिए इसको मैं बोर्ड पर कर देता हूँ, चलिए ये रहा साइन पाई बाई फोर माइनस कॉस पाई बाई फोर, ओके। चलिए साइन का साइन होता है पाई, आप त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे पाई जो होता है रेडियन के बराबर होता है, इसका वैल्यू जो होता है 180 होता है, बट्टा में फोर, कॉस पाई का मान होता है त्रिगुण त्रिकोणमिति में एक रेडियन के बराबर जो 180 बट चार, काटिए इसको तो चार चौ का एक चार से 180 को भाग दीजिए कितना मन कटेगा, 45 बार में, ये भी कट जाएगा 45 बार में। तो कहने का मतलब आपसे पूछ लिया है साइन 45 माइनस कॉस 45 का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 का भी मान होता है एक बटा रूट दो, कॉस 45 का भी मान होता है एक बटा रूट दो, एक बटा रूट दो में से एक बटा रूट दो घटाएंगे तो क्या बचेगा, जीरो, तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी हो गया। 12 नंबर तो फार्मूला पूछ लिया इसको आपको, तो आपको तो याद ही होगा, पूछा लेकिन थीटा कोई कौन है तो त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये होगा ये ऑप्शन डी। पूछ रहा है कि नौवा पद क्या होगा, ये कोई एपी दी गई है, नौवा पद क्या होगा, आपको नौवा पद पूछा है ना तो मैं आपको ट्रिक सिखाया हूँ, एक ऐसे लिखिएगा ए प्लस आठ डी, एक कम लिखिएगा सर्वांतर में, प्रथम पद क्या दिया है आपका दो, दो प्लस आठ डी, देखिए कितना है, यानी अंतर चेक कीजिए कॉमन डिफरेंस क्या है, पाँच में से दो गया, पाँच में से दो गया तीन, तो दो का दो आठ तेरी के चौबीस, चौबीस और दो कितना होता है छब्बीस, ये ऑप्शन सी हो गया, अठ तेरी के चौबीस तो छब्बीस, ठीक ओके। अब पूछ लिया है कि सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर जीरो है तो अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ आपको। देखिए ये आपका प्रश्न दिया गया था, इस तरह का कोई द्विघात समीकरण व्यापक रूप ऐसा दिया गया है, अब से पूछा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, तो इसका फार्मूला पे याद रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू टू ए बी होता है, हमने यहाँ अल्फा बीटा के रूप में लिखा है, अल्फा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए, क्या होता है माइनस बी बटा ए, तो इसका खुद का माइनस बी और ये माइनस का बी है, यानी माइनस बी बटा ए ऐसे लिख सकते हैं, बी बटा ए का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, सी के जगह पर क्या है ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी के मान, तो सी के मान है सी बटा ए, सी के मान है ए बटा ए, ए का मान है सी, इसको अब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस टू में ए से गुना करेंगे तो टू ए बट्टा में सी, नहीं सी बट्टा ए होता है, सी बट्टा ए, तो सी के ओ सॉरी गलती लिखा है सी बट्टा ए, नहीं सही है सही है, यहाँ गलती रखें, बी माइनस बी बटा ए फार्मूला होता है ना, चलिए इसका मान रखिए, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ मान हम लोग रखे नहीं है, अब रख देते हैं इसको पहले फार्मूला ही लिख लेते हैं, मूलों का गुण अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए, क्या होता है सी बटा ए, अब इसका मान रखते हैं माइनस का ये, अब ऐसे रख सकते हैं इसको माइनस बी बटा ए खुद का और ये एक सूत्र का माइनस होल स्क्वायर माइनस टू, सी के मान चेक करेंगे आप तो सी का मान मिलेगा आपको ए बट्टा में ए, ए का मान क्या मिलेगा आपको, ए का मान मिलेगा सी, और ये सॉरी ए का मान क्या है, ए का मान पर सी है तो यहाँ सी रखेंगे आप, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बट्टा में सी का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ए इंटू में सी, अब बस कुछ नहीं एलसीएम निकाल लीजिए, इसका दोनों का एलसीएम क्या आएगा सी स्क्वायर, सी स्क्वायर के पार में सी स्क्वायर एक से कट जाएगा तो बी से गुना करेंगे आप, ऐसे ही बनाते होंगे एलसीएम,
मैथपुर भिन्न का जोड़ ये घटाओ, सी के पर में सी स्क्वायर कटेंगे तो एक सी बचेगा, तो इसमें गुना करेंगे टू ए में सी से तो टू ए सी हो जाएगा। तो आपका यही आंसर हो गया बी स्क्वायर माइनस टू ए सी बटा में सी स्क्वायर। सवाल आसान डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया बी स्क्वायर माइनस टू ए सी बटा में सी स्क्वायर। ऑप्शन ए पर मत जाइएगा, यहाँ प्लस है, आपको माइनस चाहिए। टू थीटा बराबर इतना है तो साइन थीटा का मान क्या होगा, कहने का मतलब टू थीटा है पाई बटा तीन। अच्छा पाई का मान क्या होता है, 180, 180 में तीन से भाग देंगे तो क्या होगा 60, भले 180 में तीन से भाग देंगे हाँ वही होगा 60। टू थीटा अपने पाई का मान 180 रखा, तीन से काट दिया, तीन से 180 काटेंगे तो 60 बार में कट जाएगा ना 37 180। अब थीटा बाहर करेंगे तो 60 और बटा में चला गया 2, यानी 30 बार में कट गया, यानी थीटा का मान 30 आया। तो आपसे क्या पूछा है, साइन और थीटा की आपस 30, यानी साइन 30 का मान, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, कार्तीय तल में किसी बिंदु 4-5 की कोटि क्या होगी। तो बस ये तो आसान प्रश्न, लेकिन एग्जाम में रहेगा क्वेश्चन इस टाइप से, कुछ भी रहना आप आँख बंद के बोलिएगा, ये आपका भुज होता है या कोटि होता है, ये भुज कोटि, भुज कोटि, तो कोटि पूछा ना, कोटि क्या होगी तो कोटि माइनस पाँच, भुज पूछता तो क्या होता 4, ये भुज होता, लेकिन भुज तो नहीं पूछा है, कोटि पूछा है, ये कोटि हो गया। एक्स स्क्वायर इतना इतना माइनस दो बराबर की जीरो में थे, मूल जीरो है तो 1/α + 1/β का मान पूछा है। इसका मैंने आपको ट्रिक सिखा दिया हूँ, जब भी आपसे पूछ लेना 1/α + 1/β क्या होगा, आप फार्मूला लगाइएगा -b/c, क्या लगाइएगा -b/c। अब उस क्वेश्चन में देखिए आपसे प्रश्न दिया गया था, तो ये आपका ये हो गया, तो एक जगह पर कोई गुणांक नहीं है तो ए का मान 1 हो गया, बी के मान पर भी कोई गुणांक, एक्स के मान नहीं है तो 1 हो गया, सी के जगह है -2 तो आपने लिख दिया। आपसे पूछा है कि 1/α + 1/β क्या होगा, इसको आप बटक जो से मत बनाइएगा, आप ये वाला ट्रिक याद रखेंगे ना, ये वाला फार्मूला आप बहुत आसानी से सबसे पहले क्वेश्चन को बनाएंगे। आप माइनस का माइनस, बी के मान देखिए तो बी के मान क्या है 1, सी, सी के मान क्या है -2, माइनस से माइनस क्या होगा खत्म, आपका क्या बच गया 1/2, मतलब 20 सेकंड से 30 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सबसे पहले करेंगे आप। इस क्वेश्चन का मैं करा दिया हूँ तो उसका आंसर आ गया 1/2 कहाँ गया माइनस बी, ओहो सॉरी सॉरी, यहाँ माइनस मिस्टेक हो रहा है ना, ऑप्शन में तो है ही नहीं, ये हम लोग मिस्टेक किए हैं, ये माइनस नहीं नहीं हम लोग ठीक बनाए, माइनस का माइनस और बी के मान है इतना, सी के मान है -2 तो कट जाएगा 1/2 ही आएगा। ये ऑप्शन में गलत दिया है, ये ऑप्शन में गलत दिया है, आपका एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। देखिए इसमें 2-3 प्रश्न को मैं तो एरर है, आप भी खुद अनुभव किए होंगे इसकी खुद, ये भी वाला क्वेश्चन गलत है, ये वाला मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ गलत हुआ है इसमें। इसका आंसर आपको ऐसा मिलेगा एग्जाम में 1/2 मिलेगा, क्या मिलेगा 1/2, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए था, अर्थात 1/2 ही मिलता। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आप 1/2 ही आपको आप बनाइएगा, आपका आंसर रह जाएगा। इस क्वेश्चन में गलत क्या है, यहाँ आपके मॉडल सेट में यहाँ प्लस दिया होगा, लेकिन मैं दिखाता हूँ ये गलत क्वेश्चन गलत कैसे है। देखिए ये वाला प्रश्न है 2000 आप बनाए होंगे, 2015 का मैं आपका सेट बनाया होगा, ये वहाँ का क्वेश्चन है ये वाला, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया था, लेकिन यही क्वेश्चन है, यहाँ होना चाहिए माइनस, लेकिन आपके मॉडल पेपर में मिस्टेक टाइपिंग से यहाँ प्लस दिया है, उस और प्लस से लेके बनाएंगे तो इसका आंसर नहीं आने वाला है, माइनस से लेके बनाएंगे तो ये बन जाएगा। और यहाँ से मेरा 2015 वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, फिर भी एक बार बता देता हूँ इसका। देखिए ये क्वेश्चन है और आपको कोई दी गई है, ये मान लीजिए कोई एल रेखा है और ये मान लीजिए कोई एल रेखा दी गई है और ये कोई एम रेखा है और ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मान क्या होगा, और रेखाएं दोनों समानांतर हैं तो दोनों का जो कोण होगा बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप लिख सकते हैं 3 - 20° है वो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि रेखाएं इसके दोनों समानांतर हैं, ऐसा क्वेश्चन है। लेकिन आपके मॉडल पर यहाँ प्लस दिया है, प्लस दे के नहीं बनाएंगे, आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो माइनस में ही मिलेगा, वो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। 3x यहाँ रहेगा, यहाँ प्लस का 2 से इधर लाएंगे आप तो ऐसा हो गया, यहाँ पहले से 10 है, यहाँ -20 इधर लाएंगे तो प्लस का 20 और डिग्री में है तो डिग्री रखेंगे। 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना x बचेगा, एगो x बचेगा, 10 और 20 कितना होता है, 10 को 20 को होता है भाई 30 को होता है, चलिए यानी आपका 30° आंसर आना चाहिए। तो आपसे पढ़ने से फ़ायदा हुआ, आपको दो मतलब जो बच्चा पढ़ा है वो तो उसी को करेक्शन कर लेगा, जो अनजान व्यक्ति है कभी मतलब थोड़ा इसके भरोसे भी याद कर लेगा, इसका आंसर हट के चला जाएगा। ये तो खुद क्वेश्चन भी गलत है और इसका आंसर भी गलत दिया गया है, इसका आंसर आएगा 30°, लेकिन इसमें आपसे चेक करेंगे तो मैं देखता हूँ क्या दिया है। इसके आंसर में दिया गया है 18 का डी, बहुत गलत दिया गया है, इसमें इतने बहुत सारे प्रश्न के आंसर गलत है जो आपको बहुत मतलब बेकार कर देगा। अब इसको रटना नहीं, अब जरूर इसको बना बना के हाँ क्वेश्चन में अच्छे अच्छे डालेंगे इसमें। चलिए 19 नंबर प्रश्न करते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है।
चलिए आपने 19 नंबर प्रश्न पढ़ लिया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका मतलब हम लोग एक्सप्लेनेशन या विवरण करते हैं कैसे इसका आंसर क्या होगा और एक्यूरेट में क्या होगा। इसका भी आंसर गलत दिया गया है। चलिए ये रहा आपका प्रश्न, मैंने पहले से लिख दिया समय बचाने के लिए। ए का मान इसका ये आपका ये वाला दिखा, इसका ए का मान क्या हो जाएगा सी, बी का मान जगह पर क्या है माइनस का बी, सी की जगह पर क्या है ए, आपने लिख लिया। आपसे बोला है कि इसका विवेचक जो शून्य है अर्थात जो डी का मान है वो क्या है शून्य के बराबर है। डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये किसके बराबर है शून्य के बराबर। बी का मान सेट कीजिए माइनस में बी है, आपने इसका स्क्वायर किया माइनस का फोर। ए का मान चेक कीजिए क्या है सी, आपने लिख लिया सी। ए का मान सी का मान चेक कीजिए ए है ए। सिंप्लीफाई कीजिए b का स्क्वायर करेंगे माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ बी स्क्वायर हुआ, क्योंकि माइनस में है और घात पर दो है, घात में सम संख्या है तो इसका जो आंसर आएगा प्लस में आता है। चार सी ए में गुना करेंगे तो क्या आएगा फोर ए सी, ये किसके बराबर है शून्य के बराबर है। आपसे पूछ लिया गया है कि इसका मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, यानी अल्फा और बीटा से जो भी पूछे आप याद रखेंगे जो इसका द्विघात सूत्र होता है इसका आप अप्लाई करेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या होता है इसमें क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यही होता है ना फॉर्मूला। बट्टा में क्या होता है टू ए, टू ए मान सेट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान क्या है जीरो के बराबर है। आप यहाँ जीरो लिख सकते हैं, दो का दो ए का मान चेक कीजिए ए का मान ए का मान ए का मान ए का मान सी है, तो आप यहाँ क्या रखेंगे सी, आपका आंसर क्या हो गया ए माइनस का बी और ये जीरो का छोड़ दिए, जीरो का बराबर जीरो होता है तो उसको लेने से फायदा नहीं हुआ, और ये सॉरी माइनस का बी, तो ये तो फार्मूला होता है ना माइनस का बी, और बी का मान चेक कीजिए खुद माइनस में है तो यहाँ एक माइनस आपको देना पड़ेगा, तो क्वेश्चन का है एक माइनस आपको देना पड़ेगा, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट प्लस लिखिए प्लस, और जीरो का बराबर क्या होता है जीरो, तो जीरो लिखने नहीं है आपको, दो में सी से गुना कीजिए दो सी, यही आपका जो बीटा का मान पूछा गया था दूसरा वैल्यू क्या होगा, तो बी बाई टू सी इसका आंसर आना चाहिए। तो लेकिन इसमें आप आंसर चेक करेंगे तो इसका बी दिया गया बिल्कुल गलत है, आप इसको कभी भूल से भी याद नहीं करेंगे, ठीक है ना। हाँ क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन के लिए आप थैंक यू बोलिएगा मॉडल सेट को जिसने आपको बहुत अच्छे से प्रश्न प्रोवाइड किए हैं, इसके लिए आप उसको थैंक यू बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो कुछ सॉल्यूशन में है तो उसमें थोड़ा त्रुटि है, इसका आंसर ये नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा, आपका ये होगा b बाई टू सी। बीस नंबर करा देता हूँ क्वेश्चन, आप मॉडल सेट चार के बीस नंबर क्वेश्चन है इस टाइप से है। इसमें आप देखिए सवाल को देख के आपको यही एहसास होगा कि इसमें हम लोग इसको यहाँ रख सकते हैं, इसको यहाँ जीरो के बाहर भेजेंगे तभी ना किसी का वैल्यू मिलेगा, तो चलिए इसको हम ऐसे किए कि स्क्वायर यहाँ रख लिया क्यू स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा सब माइनस में हो जाएगा, क्या क्या ए स्क्वायर पी स्क्वायर और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक माइनस से माइनस हम लोग काट लेंगे, अब क्या बचेगा आपको निकालना क्या है इसका मान निकालना है ना, इसका मान नहीं चाहिए तो यहाँ पहले से क्या है की स्क्वायर, ये दोनों क्या है गुना में तो यहाँ आएंगे भाग में, कौन कौन आएगा ए स्क्वायर और पी स्क्वायर, यहाँ क्या था एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर और ये सब चला गया, एक मिनट एक यहाँ से आप काम कर लेंगे आसान हो जाएगा आपके लिए, यहाँ से आप इसको हटा लीजिए पहले इसको क्यों हटाइए इसमें का स्क्वायर, स्क्वायर क्या बनेगा वर्गमूल बनेगा किस पे ए स्क्वायर पे पी स्क्वायर पे और एक्स स्क्वायर पे। अब देखिए क्यू बराबर हो जाएगा लेकिन आप याद रखेंगे ये प्लस माइनस में जाएगा क्योंकि इसका जो वर्गमूल बना है ये प्लस माइनस में बनेगा। अब क्यू इसमें दो ए है तो एक वर्गमूल में आप पता है ना जोरा में से एक लेते हैं, दो ए है तो एक ए बाहर आ वर्गमूल से, दो पी है तो आप एक पी बाहर करेंगे, दो एक्स है तो आप एक्स बाहर करेंगे, ये लेकिन साथ में प्लस माइनस वाला है, एक्स का मान निकालना है ना यहाँ से, एक्स का मान निकालेंगे तो क्यू ये पहले से है बट्टा में क्या चलेगा ए पी, ए पी किसके साथ में ये प्लस माइनस के साथ में आएगा, ये आपका जो आंसर हो गया ये आपका आंसर हो गया क्यू बट्टा ए प्लस ए क्यू में प्लस ए माइनस में क्यू, इसका आंसर बीस का आंसर डी होना चाहिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या दिया है, चलिए ए सही दिया है, बीस का डी दिया है ना ए सही दिया है, बहुत मतलब ऐसा नहीं सब गलत दिया है, एक दो प्रश्न में ऐसा कुछ है तो उसके लिए आप उसको मतलब इतना आप माफ़ी कर सकते हैं, आपके लिए इतना अच्छा किसी ने काम किया है तो एक दो गलती माफ़ कर सकते हैं आप, लेकिन आप जरूर अपने से बनाइएगा। चलिए एक अब वीडियो 24 मिनट का हो गया, मैं क्या करूँ यहीं पर रुक दूँ क्या, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक अर्धवृत्त की व्यास इतना है तो इसकी इसका मतलब परिमाप कितना होगा, यहीं पर बता देता हूँ अर्धवृत्त के इसका आंसर गलत दिया गया है,
अर्धवृत्त का जो व्यास है डी मतलब व्यास इतना है तो त्रिज्या कितना होगा 14 होगा, 14 इसका व्यास का आधार 7 होता है। तो अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला याद रखेंगे आप, पाई प्लस 2 इंटू में आर। ओके तो 22 पाई के मान रखिए 22/7 प्लस में 2 इंटू में क्या होता है आर, आर का मान कहाँ से लाएंगे आप, यहाँ से व्यास 14 है तो आर कितना हो जाएगा 7। इसको बटाकजोर बनाएंगे तो 22 का 22 7 दूना कितना होगा 14 और बटा में क्या है 7 और इंटू में 7, ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 और 14 क्या होता है 36। और इसका आंसर अब शायद अब कुछ अलग दिया गया है, शायद 22 ये कुछ दिया गया है, ये आपका आंसर ये आना चाहिए 36 सेंटीमीटर। तो मैं वीडियो कहीं रुकता हूँ क्योंकि वीडियो 25 मिनट का हो गया, मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि एक ख़त्म ही कर दूँगा वीडियो चाहे लंबा हो जितना हो, आज ये डाटा इतना ही है और ये वीडियो को अपलोड कर देता हूँ और ये रात के अभी 9 बज रहे हैं। आप वीडियो इसको जरूर देखिएगा और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, आपका प्यार भी कुछ दिनों से मिल रहा है हमको, आप वीडियो भी बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं और खुशी की बात है कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं सहयोग हमको मिल रहा है, इस यही चाहिए हमको बस। मैं आपके वीडियो आपको फ्री में दे रहा हूँ, आपको यूट्यूब पर फ्री है देखने के लिए, तो आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं बस, आप यही हमसे आपसे उम्मीद है और यही आपसे चाहिए और कुछ नहीं बस। थैंक यू, धन्यवाद। माँ सरस्वती का प्यार आप पे बना रहे, आप पढ़ने में मन लगा दें और जो बाकी आपका इस 4-5 दिन इस महीने बचा है, 26 तारीख हो गया, हाँ आज गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी, और आप आज से लेके और एग्जाम के दिन तक पढ़ते रहिए, दबा के जितना पढ़ना आप पढ़ लीजिए क्योंकि आपको ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, रखता हूँ, नहीं तो बोलेंगे सर फिर आप लेक्चर देने लगे, क्योंकि ये मेरी आदत है, ऑफलाइन क्लास में बहुत समझाता हूँ बच्चे को, खैर ऑनलाइन पे इससे बातें नहीं करेंगे हम उतना। चलिए थैंक यू, धन्यवाद आपके लिए, अभी पढ़िए जम के जितना आपसे हो सके, मेहनत कीजिए, डरना नहीं है आपको, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बहुत सारे कोचिंगों ने तो यहाँ पर सुना हूँ कि बंद कर दिए बच्चों का पढ़ाई, नहीं मैं आपके साथ खड़ा हूँ, अब एग्ज़ाम के दिन तक भी रहूँगा, एग्ज़ाम से हर दिन पहले जो पढ़ा दूँगा वो एग्ज़ाम आपका आएगा, उसका आपको चिंता नहीं करना है। चलिए धन्यवाद, रख देता हूँ वीडियो को, अगले वीडियो में मैं बाकी याद रखेंगे आप। चलिए इसका मार्क मैं लगाता हूँ कि हमने 21 नंबर प्रश्न तक कर लिया है, 22 से हम लोग चालू करेंगे और 60 नंबर के सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।